day. I still remember when I was really free, and all the things I lived, and the miss all the things that I left. I regret for this, it won't be the same, yeah. I never felt this way, cause I want to come back and find my way, and I have to run and run away. I finally choose, yeah. Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Now I'm disappearing, looking for life. This isn't the time for you. तो गाइस कल जो है ना अचानक से हम लोग का प्लान बना कि अभी हम कहीं तो जाते लॉन्ग राइड पे, तो हम लोग कंफ्यूज थे कि हम लोग ने सोचा कि फिर मार्शेज घाट जाते हैं। तो लाइक मंडे को मेरी ना ऑफिस की छुट्टी होती है, तो मैंने सोचा कि नाइट के टाइम पे अगर मार्शेज घाट जाते हैं तो कुछ देखने मिलेगा कि नहीं, वो बड़ा सवाल था। तो एंड द मोमेंट फिर मैंने सोचा कि मार्शेज घाट जाने से अच्छा कि त्र्यंबकेश्वर जाते हैं। तो वहाँ पे एक्चुअली बहुत सालों से मैं गया नहीं हूँ, तो एक है कि वहाँ पे मंदिर में भी जाने मिलेगा और प्लस हमारा एक ब्लॉग भी हो जाएगा। तो अभी मेरे घर से जो है वो ऑलमोस्ट 186 किलोमीटर है, और लास्ट टाइम जो हमने ब्लॉग किया था जिसमें हमने अलीबाग जाके आए, तो वो जाके आने में 200 किलोमीटर था। अभी जो है ना हमारा थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं हम, तो अभी हमें 186 किलोमीटर सिर्फ जाना है और आने का 186 किलोमीटर अलग से होने वाला है। तो अभी हमें आइडिया लगे कि हमारी स्कूटी उसमें कैसे परफॉर्म करती है, तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें मालूम पड़ेगी। और आप सब ये वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे तो आपको आइडिया कि स्कूटी पे राइड करते कौन सी तकलीफ आ सकती है, क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं। तो अभी रात के अराउंड 10:30 बज रहे, तो अभी हम लोग घर से निकलेंगे, तो अराउंड जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है 5 घंटा लगेगा हमें स्कूटी पे त्र्यंबकेश्वर पहुँचने के लिए। और कल घर में थोड़ा सा फंक्शन है, तो कल 12 बजे से पहले हमें घर से वापस आना है। तो एक है कि हम कितना स्टॉप लेंगे, कितना नहीं लेंगे, वो भी हमें देखना पड़ेगा। रास्ते में क्या बाधाएं आने वाले वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं है ना, हम एक्स्ट्रा कुछ सामान लेके जा रहे हैं, ना एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई भी टूल किट भी कैरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कुछ प्लानिंग था नहीं। और मैं ऑफिस से एक्चुअली आया हूँ अराउंड 9:30 के बाद, तो जस्ट मैंने अपनी गाड़ी को वॉश कराया और घर पे आके तैयार होके अभी हम लोग जस्ट निकल रहे हैं। तो गाइस चलो अभी नीचे जाके देखते हैं कि क्या क्या हाल है गाड़ी का। तो गाइस अभी मैं पूरी तरह से रेडी हूँ और बिल्डिंग के नीचे आया हूँ, और सीन ऐसा है कि मेरे जो हेलमेट का ग्लास है वो एक्चुअली ब्लैक है। तो इसके लिए फिर मैंने ऑप्शन रखा कि अपने पास एक ग्लास है, तो वो ग्लास पहन के मैं अभी ड्राइव करूँगा। दूसरी सरप्राइजिंगली बात ये है कि मैंने अपने दोस्तों को बोला कि कोई अगर हमारे साथ में आता है तो हमें थोड़ा और इन्जॉय हो जाएगा। तो हमारे साथ अभी मेरे दो और दोस्त जुड़ेंगे आगे जाके, तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं कलम बोली में, वो लोग पनवेल से आके हमें मिलेंगे, फिर वहाँ से जो हमारी राइड प्रॉपर वे में स्टार्ट होगी। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बोली थी वो ये है कि हमारा जो मोबाइल होल्डर था पहले वाला, जो ये वाला, इसकी दशा कुछ ऐसी है, मतलब वो नट टूटी गया डायरेक्टली। तो अभी सोचा कि त्र्यंबकेश्वर जाना है, यानी 186 किलोमीटर बहुत दूर का डिस्टेंस है, और हमें नेविगेशन के लिए कुछ तो चीज़ चाहिए, तो हमने ये होल्डर लगा के लिया है। बाकी कोई इशू नहीं, अभी हमारे पास हैंड ग्लव्स वगैरह, अभी हम पूरा तैयार होते और फटक से निकलते, क्योंकि वो लोग भी मेरे ख्याल से आधे घंटे में आ जाएंगे। सो गाइस अभी हमने पेट्रोल भर लिया, और हमारे सिचुएशन ऐसे कि हमें माइक ऐसे लेके घूमना पड़ेगा और ऐसे ही पकड़ के रख के बात करना पड़ेगा। कोई नहीं, चलता है, मेरे बालों की हालत बहुत ख़राब है। तो आज सरप्राइजिंगली एक और चीज़ें जो मैंने आपको बताई नहीं, वो है कि हमारा ये जो स्पीकर है, जो हमने नया स्पीकर ख़रीदा है, वो कुछ इस तरह से है, और मैं आपको उसका साउंड भी सुनाता हूँ। कर चलो। सो गाइस हमने जो स्पीकर लिया है वो है छोटा, लेकिन उसका आवाज़ इतना अच्छा है ना कि मतलब ठीक है, राइड करते वक्त सुनने के लिए बहुत अच्छा है। सो गाइस हमने अपनी जो राइड है वो स्टार्ट कर ली है,
एक्चुअली जो हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स आने वाले थे, हमें कोई और गाड़ी का ऑप्शन नहीं मिला, तो उसके वजह से फिर उनको ये प्लान कैंसिल करना पड़ा। कोई इशू नहीं, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 12:24 हो चुका है और अभी भी हम लोग तलोजा में ही है और हमें मॉर्निंग 5 o'clock तक वहाँ पे पहुँचना है और कुछ भी करके दोपहर तक हमें वापस भी आना है। तो गाइस अभी यहाँ से अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो हम खारगर या रोडपाली जाते हैं, तो अभी हमें आगे से लेना है राइट लेके फिर हम तलोजा से होते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक अभी रास्ता तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखते हैं अभी थोड़ा सा फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। और आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो भी देखना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, जब हम ज़्यादा बात करते हैं ना तो वीडियो लंबी खींच जाती है, लेकिन देखने में मज़ा भी आता है। एक्चुअली नासिक हाईवे पे लगने के बाद ना थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि दो बार ना मतलब ऐसा लगा कि हम लोग रास्ता भटक गए। क्योंकि एक्चुअली सीन क्या हुआ ना कि नेविगेशन, मतलब जब हम रास्ता टर्न ले रहे थे राइट या लेफ्ट टर्न, तो नेविगेशन एकदम से रास्ता अलग ही पकड़ लेता था, क्योंकि आगे जाके 3 रूट्स है नासिक जाने, त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए एक्चुअली। तो हमें जो सेंटर वाला रोड पकड़ के जाना, क्योंकि वो फटाफट लेके जा रहे हैं हमें। सो गाइस ये रास्ता मुझे इतना अच्छा लगा है ना, मतलब एकदम प्लेन, गड्ढा नहीं है ना, स्पीड ब्रेकर है और ऑलमोस्ट अभी 97 किलोमीटर दूर है हम अपने स्पॉट से। तो मेरे ख्याल से हम 1.5 घंटे में पहुंच जाना चाहिए वहाँ तक। 10:30 घर से निकला था, फिर मैं अपने घर से 54 किलोमीटर अंधेरी गया, अंधेरी से घाटकोपर से वापस विक्रोली से कुलाबा गया और फिर मैं वापस वहाँ से घर पे आया हूँ 9:30 और फिर वहाँ से अभी हमारा है त्र्यंबकेश्वर वाला राइड। मतलब सुबह से जो है ना स्कूटी प्रॉपर चली रही है मेरी, हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है अंधेरी घाटकोपर विक्रोली के बाद मेरी गाड़ी 1/2 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए ऑफिस के बाहर खड़ी रही होगी उतना ही। उसके वापस बाद में वो कुलाबा आई, कुलाबा में 10-15 मिनट रुकी, वहाँ से घर आने के बाद 1/2 घंटा, मतलब इतना ही गाड़ी को रेस्ट है। ये तो गाड़ी पूरा डेली चली रही है। सो गाइस अभी हम कचरा घाट के पहले एक ढाबा है, अभी हम वहीं पे रुके, अभी 5 मिनट यहाँ पे रुकेंगे फिर हम आगे निकलेंगे। क्योंकि क्या है ना स्कूटी को ज़्यादा खींच के मतलब नहीं, क्योंकि हमें आइडिया नहीं कहीं इंजन सीज हो गया तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, तो उससे अच्छा हमने सोचा कि गाड़ी को थोड़ा ठंडा होने देते फिर वापस चलते। एक्चुअली एयरकूल इंजन है तो मुझे लगता है कि ठंडी हवा है तो उतना इंजन को कोई इशू होगा नहीं। और हमने भी थोड़ा चाय नाश्ता कर लिया, एक्चुअली घर से निकलते वक्त हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था, तो सोचा कि ज़्यादा कुछ खा के मतलब नहीं, क्योंकि फिर क्या है ज़्यादा खाना हैवी हो जाएगा ना तो नींद आ जाएगी। और अभी तो हमें 62 किलोमीटर सार जाना है आगे। गाइस अभी चाय नाश्ता तो हो चुका है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी कसरा घाट जो है वो शुरू हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है अभी, क्योंकि काफ़ी सामसूम है और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम घाट चढ़ रहे हैं। और गाइस अभी यहाँ से लेफ्ट लेके हमें नीचे की ओर से जाना है, क्योंकि वहाँ से हमें नज़दीक पड़ेगा त्र्यंबकेश्वर। और गाइस अगर आप टनल देख रहे हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, मतलब जो भी व्हीकल आ रहे हैं ट्रक वगैरह वो सब ऊपर के रास्ते से जा रहे हैं, तो अभी पता नहीं नीचे के रास्ते से व्हीकल आते जाते हैं कि नहीं। और मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया तो मुझे भी रोड का कुछ आइडिया है नहीं, तो अभी चेक करते हैं। तो गाइस अभी थोड़ी सी हिम्मत करके हमने स्टार्ट तो कर लिया है, अभी थोड़ा आगे जाके देखते हैं, नहीं तो फिर हम वापस यू टर्न लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है, एकदम प्लेन सीधा रास्ता है। तो गाइस अभी ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा डरावना टाइम लग रहा है मुझे, क्योंकि हमें अभी इतने दूर आने तक एक भी व्हीकल नहीं दिखा है, कोई इंसान नहीं दिखा है, ना कोई घर प्रॉपर वे में दिखा है। जो भी घर हमने पीछे देखे थे वो गिर चुके हैं वहाँ पे, और यहाँ पे सारे बरगद पीपल वाले ही पेड़ है, मतलब जो एकदम एग्जैक्ट हॉरर मूवी में जो लुक आता है ना एग्जैक्ट वैसा फ्रेम अभी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। तो लगता है गाइस यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यानी ये रोड ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है।
तो अभी हम यहाँ से गाइस वापस पीछे जाते हैं और हाईवे टच करके फिर हम वहाँ से दूसरे रूट से हम निकल जाते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हमने हाईवे पकड़ लिया है और थोड़ा दूर से सही लेकिन एक प्रॉपर वे में जाते हैं, क्योंकि अगर बीच में कुछ हो जाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और इतना भी हमें रिस्क लेना नहीं है। तो गाइस अभी हम मिलते हैं आगे सीधे मंदिर के पास, क्योंकि अभी मेरे मुँह से आवाज़ भी नहीं निकलेगी। छः बजे खुलता है तो मंदिर के भगवान के दर्शन लेके हम तुरंत यहाँ से निकलेंगे। और गाइस यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी है ना, मतलब हमने सोचा भी नहीं था, हम उसके थ्रू प्रिपेयर भी नहीं होके आए थे। एक्चुअली ना आवाज़ भी नहीं निकला क्योंकि ना गला पूरा अभी जाम हो चुका है। तो अभी हमारा प्लान चल रहा था कि हम लोग यहाँ पे रूम लेके रुके, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 5:52 तो 6 बजने के लिए ज़्यादा कुछ टाइम है नहीं। और फिर हम लोग सोच रहे कि आधे घंटे के बाद हम लोग तुरंत यहाँ से निकलेंगे घर के लिए, जैसे कि हमारा घर पे प्रोग्राम है तो हमें उसे वहाँ पे भी अटेंड करना है, तो इसके लिए हमें जल्दी जाना पड़ेगा। सर अभी यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि रास्ता कैसा है आने जाने के लिए। ठीक है, नहीं 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 मंदिरासाठी रास्ता। हाँ 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 चालेल, आता तर लगेच नाही आम्ही कारण लगेच निघणार आहोत मुंबईसाठी। नाही नाही असं असेल तर मग आम्ही येऊ परत इकडे जाते वेळी। चला थँक्यू। तो गाइस हमें रूम वगैरह वैसा तो कुछ आहे नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे आके आपको खाली फ्रेश होना है तो अभी आपको यहाँ पे सारी सोई सुविधाएं उपलब्ध है। तो गाइस सामने मंदिर है, फाइनली अपने स्पॉट पे पहुंच चुके हैं और इतना अच्छा फील हो रहा है कि मतलब अभी क्या बताओ। एक्चुअली जाते वक्त जो मेन नज़ारा है ना वो आपको देखने मिलेगा, मतलब बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन से यहाँ पे जाते वक्त। एक्चुअली अंधेरे की वजह से हम उसे शूट नहीं कर पा रहे थे जबकि देख पा रहे थे। ट्विंस माउंटेन करके भी एक यहाँ पे पहाड़ है जो भी हमने आते वक्त देखा, लेकिन वो शूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो कैमरा में कैप्चर ही नहीं हो रहा था। तो अभी यहाँ पे जो है चाय हाउस है, तो अभी हम लोग यहाँ पे चाय पीते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते। तो गाइस अभी हम चाय पीते हैं और मेरे भाई की हालत कुछ ऐसी है, मतलब फिर भी वो पूरा पीछे बैठा हुआ था, लेकिन एक्चुअली क्या है पीछे बैठ के कैमरा पकड़ के रखना भी कोई इशू आसान काम है नहीं, लेकिन कुछ नहीं, गाड़ी की हालत काफ़ी अच्छी है और हमारी गाड़ी जो है 180 किलोमीटर चल चुकी है और सिर्फ दो ही स्ट्रिप्स में हो गई, मतलब पहले जो है वो 80 किलोमीटर पे ख़त्म हुई और सेकेंड 130। अभी थर्ड जब ख़त्म होगी तो हम आपको नोटिस ज़रूर करेंगे। अभी जाके थोड़ा चाय पी लेते हैं फिर बाकी की बातें आगे करते हैं। कौन सा चाय बेटर रहेगा आता है सकाळचे सकाळी फ्रेश एकदम? मसाला टी, मसाला चाय चांगला लगे। हाँ ठीक है, दे दो दो मसाला चाय दे दो। ठीक है ना, लांबचा प्रवास होईल तर काहीतरी फ्रेश। तो गाइस इनके मेन्यूज कुछ अलग है और काफ़ी अच्छा शॉप किया इन्होंने और मेरा गला जो अभी बैठना चालू हुआ है ना, लगता है कल बीमार पड़ने वाला हूँ। मसाला टी चाय हाउस और यहाँ की दुकानें जो है ना एक्चुअली अभी खुलना चालू हो चुकी है धीरे धीरे, तो अभी हम भी थोड़ा फ्रेश होके मंदिर में जाके फिर घर के लिए वापस जल्दी से निकलेंगे। तो गाइस त्र्यंबकेश्वर का मंदिर, एक्चुअली अंदर से वीडियो अलाउड नहीं था इसके लिए फिर हमने बाहर से ही शूट किया।
और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। तो भाई अभी यहाँ से निकलते क्योंकि हमें वापस मुंबई जाना है, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है जाने के लिए, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो गाइस फाइनली जो है हमारा सफ़र सक्सेसफुल हो चुका है, हमें भगवान का दर्शन भी मिल गया और जो हमारा राइड था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं घर के लिए क्योंकि 12 बजे तक हमें वापस पहुँचना भी है। तो जहाँ पे हमें 6:30 बजे निकलना था अभी वहाँ पे 7:15 बज चुके हैं, तो अभी हमें थोड़ा तेज़ी से जाना होगा ताकि हम 11:30-11:12 बजे तक पहुँच सके। तो इसके लिए हमने ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया, आने के बाद जस्ट हमने एक चाय पी ली और भगवान के दर्शन दे के प्रसाद खरीद के थोड़ा निकल गए अभी। तो अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं चाहिए क्योंकि मेन रात को अंधेरे में आते वक्त ही थोड़ा तकलीफ था क्योंकि रोड बराबर से समझ नहीं आ रहा था। रोड जो है ना बराबर से समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली क्या है ना, पूरा मेरा मुँह है ना वो पैक है, तो इस वजह से ना बात करने में तकलीफ़ हो रही है क्योंकि वो जो मैंने मुँह पे लगा है ना वो बहुत टाइट है एक्चुअली इसके वजह से। तो अभी का जो माहौल है वो इतना मस्त फ्रेश माइंड करने वाला है, मतलब ऐसा लग रहा है मैं कहीं और ही आया हूँ, लाइक किसी हिल स्टेशन पे एकदम से, मतलब ये भी हिल स्टेशन पे ही है लेकिन जैसे महाबलेश्वर में जाने के बाद एक फील आता है या किसी ठंडी जगह पर, उस तरह का कुछ फील आ रहा है मुझे अभी यहाँ पे। तो वो बातें तो होती रहेगी। तो मेन बेसिकली क्या है कि हमारे कल से मेन क्या है कि कल सुबह से लेके अभी तक हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर के ऊपर चल चुकी है विदाउट एनी इशू, मतलब एकदम कंटिन्यूसली। तो उसको ड्राइव नहीं किए, बीच में जो हमने ब्रेक लिए वो अराउंड 5 से 10 मिनट के ऊपर के भी नहीं थे और ऑफिस के टाइम पे तो सिर्फ आधे घंटे का, मतलब वो एक आध दूसरा ब्रेक और यहाँ पे आने के बाद एक आध दूसरा ब्रेक ही हमने लिया है, बाकी कोई ब्रेक नहीं लिए। तो इसके बावजूद हमारी गाड़ी का जो सिचुएशन है बहुत अच्छा है। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ लग रहा है अभी वापस हमें 200 किलोमीटर जाना है, तो टोटल 500 किलोमीटर अपना कंप्लीट हो जाएगा कल का, 300 यहाँ आने का और 100 मतलब 280 और अभी जो जा रहे हैं हम लोग वो 180, ऐसा 460 के आसपास कुछ तो जा रहा है। एक्चुअली गाइस ना मेरा नींद ना बिल्कुल नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से है ना बहुत नींद आ रही है और एक कुछ एक व्यू है आप देख लेना, मतलब इतना मस्त सही लग रहा है ना व्यू। अगर आप वो पत्थर देखोगे तो, अगर आप वो पहाड़ देखोगे, सर पत्थर नहीं पहाड़ देखोगे तो, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस अभी हम हाईवे पे आ चुके हैं और अभी हमें पेट्रोल भरना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी में सिर्फ अभी 1.5 लीटर पेट्रोल ही बचा हुआ है। तो अगर नियर बाय कोई पेट्रोल पंप मिलता है तो पेट्रोल भरा लेंगे और फिर जो है हमें नॉन स्टॉप राइड करना पड़ेगा मुंबई तक क्योंकि 12 बजे तक हमें पहुंचना है और काफ़ी
मज़ा आया। और रात को जो हमारे साथ सीन हुआ है वो थोड़ा सा डर अभी भी है। और एक्चुअली दूसरी चीज़ है कि गाड़ी में हमें फॉग लाइट लगा के लेना पड़ेगा। कॉर्नरिंग करनी होती है तब हमें जो कॉर्नर वाला एरिया होता है ना उसमें कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि इसका जो लाइट है हेडलाइट है वो एक स्ट्रेट वे में फोकस्ड है, तो इसके वजह से सामने आपको अच्छा विजिबिलिटी मिलता है, लेकिन कॉर्नर्स में कोई विजिबिलिटी नहीं मिलती, तो घाट वगैरह में काफ़ी दिक्कत आती है। I still remember when I was really free and all the things I lived. In the midst of the things that I left, I regret for this. It won't be the same, yeah. I never felt this way, 'cause I want to come back and find my way. And I have to run and run away. I finally choose, yeah. 'Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. No one disappearing, looking for light. This is the time for you. सो गाइस फाइनली हमने कलंबोली क्रॉस कर लिया और यहाँ से 15 मिनट में हम अपने घर पे पहुँच जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ मैं अभी, मतलब बहुत ज़्यादा नींद है। और हमें जो है 4 बजे वापस डोंबिवली भी जाना है, घर का थोड़ा सा एक प्रोग्राम है जो मैंने बोला था। मतलब हमने ट्राई तो किया कि 12 बजे तक हम पहुँच जाए, लेकिन आधा घंटा आगे पीछे हो जाता है वो कभी कभी। एक्चुअली क्या है ना कि इतना ज़्यादा मेरे को नींद आ रहा था ना, और आँख में कोई पार्टिकल चला गया था, तो जिसकी वजह से ना मुझे गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। फिर इसकी वजह से हमने अराउंड 20 मिनट रुक के ही हमें आना पड़ा। 5 मिनट करके हम लोग काफ़ी जगहों पे रुके, लेकिन वो आँख से निकले। तो फाइनली कल्याण में आने के बाद जो है ना ठंडे पानी से आँख पे थोड़ा पानी मारा, तब जाके वो निकला। और उसके बाद जो है थोड़ा राहत की सांस ली मैंने। और अभी तो हम कामोठे पहुंच चुके हैं और अभी हम जाते हैं जल्दी से घर पे। और करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।